दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब और हैदराबाद के बीच में खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में उमरान मलिक की खतरनाक गेंदबाजी देखी गई और उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पंजाब ने हैदराबाद को एक शर्मनाक हार दी। अगर आपको भी जानना है इस मुकाबले की बेहद ही रोमांचक हाइलाइट्स के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि पंजाब की जीत की बड़ी वजह क्या रही है? उमरान मलिक की खराब गेंदबाजी या फिर लियाम लिविंगस्टोन की आतिशी बल्लेबाजी? अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेलने उतरी पंजाब और हैदराबाद दोनों ही टीमें सम्मान की लड़ाई में किसी भी हाल में जीतना चाहती हैं और ऐसे में हैदराबाद के नए कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा। और जब ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर कदम रखते हैं तब सनराइजर्स हैदराबाद के प्रशंसकों को यही उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज आखिरी मुकाबले में कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे, पर पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करने वाले प्रियम गर्ग ककीसो रबाडा का शिकार हो जाते हैं और तीसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए रबाडा ने प्रियम गर्ग को पवेलियन की राह दिखा दी। 7 गेंदों के बाद 4 रन बनाने वाले प्रियम गर्ग पवेलियन चले जाते हैं। तब मैदान पर एंट्री होती है हैदराबाद की तरफ से अब तक के लाजवाब प्रदर्शन करने वाले राहुल त्रिपाठी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाजवाब प्रदर्शन करने के बावजूद राहुल त्रिपाठी को टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है और अपने गुस्से को निकालते हुए उन्होंने पंजाब की गेंदबाजी को आड़े हाथों लिया और शुरुआत में तो थोड़े से नर्वस दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद इस बल्लेबाज ने जिस तरीके से खतरनाक तेवर अख्तियार किया उसके बाद तो पंजाब के गेंदबाज केवल बचते ही नजर आए। आपको बता दें कि पंजाब का स्कोर तीसरे ओवर तक केवल 18 रन हो चुका था और इसके बाद चौथे ओवर में ये दोनों बल्लेबाज केवल 6 रन ही बटोर पाए और इस तरीके से 4 ओवर में 24 रन बनाने वाली हैदराबाद शुरुआत में स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन उसके बाद आता है राहुल त्रिपाठी का तूफान। जी हाँ, पहले पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए आए नेथन एलिस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कुल 11 रन बटोरे। वहीं दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा ने भी ये फरमान जारी कर दिया कि अब वो भी रुकने वाले नहीं है और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को 8 ओवरों के बाद में 60 रन के पार पहुंचा दिया, जिसमें अभिषेक ने ताबड़तोड़ 36 रन बनाए तो वहीं 20 रन बनाने वाले राहुल त्रिपाठी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उन्हें हरप्रीत बरार अपना शिकार बनाते हैं। तो वहीं अभिषेक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी में 1-2 नहीं बल्कि 5 चौके लगाए और वहीं खूबसूरत छक्का लगाते हुए उन्हें स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन मिला। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हरप्रीत बरार और उन्होंने 1-1 करके 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाते हुए हैदराबाद को बैकफुट पर धकेल दिया। जी हां, बरार के 3 विकेट की बदौलत पंजाब ने 15 ओवरों में 96 रनों पर ही हैदराबाद की आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी। लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और रोमारियो शेफर्ड के तूफानी बल्लेबाजी के दम पर सनराइजर्स को एक अच्छे टोटल मिल गया। जी हां, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और जिसकी बदौलत हैदराबाद ने पंजाब के सामने 158 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें आखिरी ओवरों में 19 रन में 25 रन बनाने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने जहां अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया तो वहीं 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 26 रन बनाकर रोमारियो शेफर्ड अंत तक नाबाद रहते हैं। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए और दोस्तों, अगर पंजाब के गेंदबाजों की बात करें तो 3 विकेट हरप्रीत बरार ने लिए तो वहीं इतनी ही सफलता नेथन एलिस के हाथों में लगी और वहीं 1 विकेट ककीसो रबाडा ने लिया। हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए जिन्होंने 32 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली। दोस्तों, पंजाब को यह मुकाबला जीतने के लिए अब 158 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाजी करने आए शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जी हां, भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में 3 चौके के साथ पंजाब की पारी की धमाकेदार शुरुआत हुई, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए हैदराबाद के तेज गेंदबाज फारूकी ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड करते हुए सनराइजर्स को एक बड़ी सफलता दिलाई, जिसके बाद आपको बता दें कि जॉनी बेयरस्टो ने अपने जाने से पहले अपनी पारी में 5 चौके लगाए और उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शाहरुख खान और भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर छक्का लगाते हुए उन्होंने ये बता दिया कि आज धमाकेदार बल्लेबाजी करने के मूड में आए हैं। शाहरुख खान आज कुछ बड़ा करने में नाकाम रहे और उमरान मलिक की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वॉशिंगटन सुंदर को कैच देते हुए पवेलियन लौट जाते हैं। आपको बता दें कि जाने से पहले उन्होंने 10 गेंदों में 19 रन बनाए और उनके जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं कैप्टन मयंक अग्रवाल और उमरान मलिक ने एक
ऐसी खतरनाक बाउंसर गेंद डाली जो सीधे मयंक के पसलियों में जा लगी और पंजाब के कैप्टन जमीन पर ही लेट गए। और हालांकि कुछ देर बाद खड़े होकर उन्होंने आगे खेलना शुरू किया, लेकिन वो ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और जगदीश सुजीत की गेंद पर सुंदर को कैच देते हुए वो एक रन पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि पंजाब फंस जाएगी क्योंकि हैदराबाद की गेंदबाजी बेहतरीन थी, लेकिन फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टोन जिन्होंने अपने तूफान में सनराइजर्स के सारे ही गेंदबाजों को उड़ा लिया। केवल 22 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 49 रन बनाते हुए उन्होंने पंजाब को एक बेहतरीन जीत दिलाई। वहीं जितेश शर्मा ने भी 7 गेंदों में 19 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और 49 रन बनाने वाले लियाम लिविंगस्टोन अपना अर्धशतक तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 5 खतरनाक छक्के भी लगाए और उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी का नतीजा ये रहा कि पंजाब 15.1 ओवर में ही मुकाबले को खत्म कर देती है और इस तरीके से आईपीएल 2022 के लीग स्टेज का समापन हो जाता है और इस बेहतरीन के साथ पंजाब पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर अपना सफर खत्म करती है। और वहीं हैदराबाद कोलकाता से भी नीचे 8वें पायदान पर खिसक जाती है। और अगर हैदराबाद के गेंदबाजों की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फारूकी ने लिए। उन्होंने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और जगदीश सुजीत और उमरान मलिक को एक एक विकेट मिला। तो दोस्तों, पंजाब की इस धाकड़ जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।